షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు ఐదేళ్లు పూర్తవుతోంది. ఈ సందర్భంగా చార్మినార్ దగ్గర వార్షికోత్సవ వేడుకలు జరిపింది పోలీస్ శాఖ. ఈ వేడుకల్లో సిపి అంజనీ కుమార్, ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ సహా పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. మహిళల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు సిపి. कि पिछले पांच साल का जो सफर रहा है शी टीम का, ये शी टीम का सफर एक पार्टनरशिप का सफर है. इस पार्टनरशिप में शी टीम के सभी ऑफिसर्स के साथ हैदराबाद शहर के सभी गर्ल्स, सभी बॉयज, सभी स्टूडेंट्स उसमें शामिल हैं. जब सुबह सुबह अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि हैदराबाद बड़े शहरों में सबसे सेफ शहर का दर्जा इसको दिया गया, हिंदुस्तान की एक हैदराबाद ही शहर ऐसा शहर है, 20 टॉप आईटी कंपनी के पूरे 20 टॉप कंपनी यहां पे मौजूद हैं, और ये सब इसीलिए संभव है कि यहां का माहौल सेफ्टी और सिक्योरिटी का हम लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया है ये काबिले तारीफ है. और सभी शहर के सर्वे करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे सेफ जगह है हैदराबाद, इसीलिए वहां इन्वेस्टमेंट किया जाए. तो ये फिफ्थ एनिवर्सरी हैदराबाद शहर के लिए एक बहुत अच्छा मुकाम है कि हम लोगों को, हमारे शहर को और भी ऊंची से ऊंची बुलंदियों की तरफ ले जाए. बड़ी ही कामयाबी के साथ उसको चलाया जा रहा है, और ये बात बिल्कुल मुझे कहना पड़ेगा कि शी टीम्स के वजूद में आने के बाद हमारी ख्वातीन में, हमारे बच्चियों में बहुत ज्यादा जो एक अदम तहफ्फुज था अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी हद तक कम हुआ, और आज हम देखते हैं कि शी टीम्स की वजह से उन मुकामात पर बच्चियां जो स्कूल और कॉलेज को जाती थी वहां पर उनमें एक तहफ्फुज़ और सेफ्टी का एक माहौल.